रहीम, हम लाइव हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी थी। इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है। इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के वक्त की फुटेज सामने आ गई है। मैं हैदर सईद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं खान साहब के पीछे पीछे गाली लगाई है, जब पता चला खान साहब को अरेस्ट किया मेरे के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। अब पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आने जा रही है, क्योंकि इमरान खान के जिहादी बार बार पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज को धमकियां दे रहे थे कि इमरान खान को लग कुछ भी हो गया तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब पाकिस्तान का हाल वही होने वाला है, क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहा था कि मुझे गिरफ्तार करके ये निपटा देंगे। हो सकता है कि इमरान खान को निपटा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो भी बोलता है तो उसकी आवाज़ को इसी प्रकार दबा दिया जाता है। अब इमरान खान का नंबर लगभग आ चुका है। हम देख रहे हैं कि हजारों कतार बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अच्छा, भी नौजवान है, अखबार है, इमरान खान के साथ अंदर कमरे में गया बायोमेट्रिक के लिए। ये ब्लड मेरे मुझे डंडे भी पड़े हैं। इन्होंने जब इमरान खान जा रहे थे, बायोमेट्रिक के लिए, जब मेरे बायोमेट्रिक के लिए अंदर जा रहे थे तो रेंजर वालों ने ऊपर हमारे हल्ला बोल दिए और कवर करने लगे हैं। हमने उनको कहा कि क्यों भाई, हम वो क्लास साथ हैं, आप हमें क्यों इस तरह पुश कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब खान पास आए तो उन्होंने हमें धक्का दिया कि खान को उठाने की कोशिश की। हमने जबरदस्ती बायोमेट्रिक रूम में उनको खान को ले गए और अंदर से लॉक कर दिया। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, जब दरवाजा ना टूटा तो उन्होंने खिड़कियां तोड़ के अंदर आ गए और हमें हमारे चेहरों पे आंसू गैस का स्प्रे किया, जिसकी वजह से हमें सांस में दुश्वारी हो गई। खान साहब अंदर बैठे देख रहे थे, हमें उन्होंने मारा। खान साहब के गार्ड्स को उन्होंने मारा, जख्मी किया, लहूलुहान किया और खान साहब को बड़ी बेदर्दी से, ऐसे किसी कोई डाकू चोर को भी नहीं पकड़ता, जैसे उनको उन्होंने घसीट के वहां से निकाला और व्हील चेयर खान की और सब कुछ वहीं रह गया और वो उनको उठा ले गए साथ। वो हो चुके हैं। इमरान खान को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है। मैं पूरी खबर आपको दूंगा। इमरान खान आज इस्लामाबाद पेश होते हैं। केस जो है वो मुख्तलिफ नौयत के केसेस इमरान खान पे डाले गए थे। इमरान खान पे केस एग्जैक्टली है क्या? इमरान खान बेसिकली नैब की हिरासत में है और यहाँ पे मेरे सामने ये इमरान खान का जो अरेस्ट का वारंट है वो सामने आ चुका है। ये देखें, ये अरेस्ट वारंट इमरान खान का मेरे सामने आ चुका हुआ नाज़रीन। अब उसमें लिखा भी हुआ है कि वेयर एज मिस्टर इमरान खान सन ऑफ इकरामुल्ला खान न्याजी एंड जमान इज एक्यूज्ड ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 9A ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। यानी इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, करप्शन के केस में। ठीक है जी, करप्शन के केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। करप्शन है अलकादर ट्रस्ट की। अब ये अलकादर ट्रस्ट की करप्शन है क्या, मैं आपको ये थोड़ी देर में बता दूंगा। ये जो हुई है उनकी हुई है नैब के ऑर्डिनेंस, नैब के सेक्शन नंबर 9A के तहत। अलकादर ट्रस्ट है क्या? अलकादर ट्रस्ट बेसिकली नाजरीन ये इमरान खान के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने मलिक रियाज, क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक है, इमरान खान ने मलिक रियाज को 50 अरब रुपए की ढील दी ही। इमरान खान ने उसमें से उस 50 अरब रुपए के इवज जो इमरान खान ने मलिक रियाज को दिलवाया हुकूमती खजाने से, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो इमरान खान पर इल्ज़ाम है जी। किस केस में अरेस्ट हुए मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान पर इल्ज़ाम ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस, इमरान खान ने मलिक रियाज को 50 अरब का जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के बाद मलिक रियाज से 300 एकड़ ज़मीन ली। इमरान खान पे ये इल्ज़ाम है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी आज सुबह अदालत से के अहाते से की जाती है। रेंजर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो उन्हें गिरफ्तार करके लेके जा रही है। ठीक है, अब उनको उनको बाजू से पकड़ा गया, कॉलर से पकड़ा गया, यहाँ से पकड़ के इमरान खान को रेंजर्स जो है वो लेकर जाती है और बख्तरबंद गाड़ी में बिठा के उनको नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाता है। समझे आप इस बात को? अब अगली सूरत हाल ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी अलकादर ट्रस्ट केस में होती है। होता क्या है अलकादर ट्रस्ट केस, समझा रहा हूं आपको मैं। मलिक रियाज पे जुर्माना होता है यूके की कोर्ट में। अब ये गौर से सुनना है आपने, पूरा केस है क्या। मलिक रियाज पे जुर्माना होता है यूके की कोर्ट में। यूके की कोर्ट यानी बरतानिया की जो अदालत है मलिक रियाज को 19 करोड़ रुपए पाउंड्स का जुर्माना करती है। ठीक है,
मलिक रियाज वहां पे वो जुर्माना अदा करता है। उस जुर्माने का जो मलिक रियाज ने वहां पे अदा किया बरतानिया में, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान भेजा जाता है हुकूमत बरतानिया की तरफ से। मेरे अबू ने बाजू पर निकाला था, डंडे उनके बाजू को भी जख्मी किया और कुछ चीज गोली सी दी जो थी सेल से मारी है। ये पीछे देख सकते हैं लाल मस्जिद है और इधर नैब एहतसाब अदारे में इनको लेकर आए हैं। आप लोगों को अल्लाह रसूल का वास्ता है, इस मैसेज को सेपरेट करो, जितना हो सके जल्द से जल्द इधर पहुंचो, खुदा रसूल का वास्ता है। खान चला गया ना, खान इधर से गायब होकर फिर नहीं मिलेगा। यह मैं आपको बता दूं, खान इधर आए, मैंने खुद देखा है, खान इधर आए, मैं गवाही देता हूँ, खान साहब को इधर लेकर आए, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, पहुंचो प्लीज। इमरान खान जो के जख्मी हैं, व्हीलचेयर पर थे, किस तरह से इमरान खान का गिरेबान पकड़ा गया, कॉलर से पकड़ के उन्हें व्हीलचेयर से उठाकर धक्के मारकर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, किस केस में इमरान खान गिरफ्तार हैं, और इमरान खान ने अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होना था, चीफ जस्टिस ने अदालत लगा ली हुई है, उस अदालत में क्या कार्रवाई हुई है, ये डिटेल्स भी आ चुकी हैं, और इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है, इमरान खान को किस केस में गिरफ्तार किया गया है, शद्दद नहीं किया, और इमरान खान साहब की जो गाड़ी है वो सिर्फ हिफाजती हिसार के अंदर है। अच्छा, यहां पर मैं दो चीजें पहले वीडियोस दिखाने से पहले, बिला शुबा ये जज्बाती मनाजिर हैं, बिला शुबा ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं ये अनफॉर्चुनेट है, दिस इज अ डार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये जो मनाजिर हैं ये दिल तोड़ देते हैं कि आप एक पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर के साथ क्या कर रहे हैं, और अब आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं उससे भी ज्यादा। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जमान पार्क से निकलते हुए जो बात कही थी ना कि मुझे बताना मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा, तो प्लीज आप लोगों ने कानून हाथ में नहीं लेना, कारकुनान से जितनी ज्यादा मैं अपील कर सकूं, क्योंकि ये आपके लीडर के कॉज के खिलाफ है। फिर जो मुखालफीन है उन्हें बहुत सी बातें करने का एक मौका मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा। आप जरा आप ये वीडियो देखें, ये नाज़रीन इकराम आप अपनी वीडियो जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलायजा फरमा सकते हैं। ये जो हिसार है इसके अंदर ये जो सफेद कपड़ों में ये खान साहब है जिन्होंने वेस्टकोट पहना हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि खान साहब जारी बात है व्हीलचेयर पे थे, लेकिन उन्हें खड़े करके और इतने ज्यादा ये दर्जनों के हिसाब से बल्कि उससे भी ज्यादा अनकाउंटेबल एहलकार जो है उन्होंने इमरान खान साहब की जो गाड़ी है उसे इमरान खान साहब को उस गाड़ी के अंदर रखा। और इसके बाद जो अब सूरत हाल है इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि नैब के जारी करदा वारंट्स की बुनियाद पर अलकादिर ट्रस्ट के केस में रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। और इस वक्त मेरे पास ये डेवलपमेंट्स भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक और वीडियो क्लिप में आपके सामने चलवाता हूं, आप बल्कि ये भी देखें। ये नाज़रीन इकराम आपने दूसरी फुटेज देखी जो एक्सक्लूसिवली इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से हमें मौसूल हुई, और इमरान खान साहब वहां पर कानून के मुताबिक पेश होने के लिए गए थे, और ये हुकूमत सुबह से कह रही है कि इमरान खान को हमने गिरफ्तार करना है। कल ही मैंने खबर दे दी थी कि जी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, और अब हर हद तक जाया जाएगा ताकि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। अच्छा, इमरान खान साहब जिस कमरे में बैठे हैं मैं आपको उसकी फुटेज भी दिखाता हूं, जब शीशे और दरवाजे तोड़े जा रहे थे और खान साहब के चेहरे के ऊपर इत्मीनान देखें आप इस शख्स एक जख्मी शख्स है उसके साथ जो कुछ हुआ। एंकर इमरान रियाज साहब ने भी ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब को गिरेबान से और कॉलर से पकड़ के ये लेके गए हैं। आप ये एक और क्लिप है गिरफ्तारी का, वो भी देखें। ये नाज़रीन इकराम आपने क्लिप देखा खान साहब, ये बायोमेट्रिक्स वाला कमरा है, गालिबन मैं अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मेरा अपना केस लगा हुआ था तो यहाँ पे जाना होता है। खान साहब अंदर आराम से बैठे इधर ये नजारा देख रहे हैं कि किस तरह से शीशे तोड़े जा रहे हैं, किस चीज के, इमरान खान की रिहाइशगाह के नहीं, पीटीआई के दफ्तर के नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के शीशे तोड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फौज आखिरकार इमरान खान को गिरफ्तार करने में सफल रहे। इससे पहले कई बार इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इमरान खान के जिहादियों ने पाकिस्तानी फौज का ये मंसूबा नाकाम कर दिया। अब इमरान पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इमरान खान इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होने गया था, उसी वक्त रेंजर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे दूर ले जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इमरान खान के जिहादी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही भी फेर सकते हैं।
क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि इमरान खान हमारी आखिरी रेड लाइन है, यदि इसको कुछ हुआ तो पाकिस्तान के बहुत बुरा हाल हो जाएगा और टुकड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में इमरान खान को लोग सपोर्ट करते हैं। इसी का कारण है कि अब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है, क्योंकि इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उससे पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप सा मच गया है। आपके क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।